नारायण 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 नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। नारायण नारायण नारायण। आप में से लगभग सभी जानते हैं कि नारायण रेखी सत्संग परिवार का मिशन क्या है, है ना? क्या मिशन है? तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन और आपसी संबंध स्वस्थ। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन स्वस्थ और आपसी संबंध स्वस्थ, ये एक पैकेज है। और हम चाहते हैं कि हमारे घर में हो, ये हमारा घर, हम चाहते हैं हमारे घर में हो सुख, हमारे घर में हो शांति और हमारे घर में हो समृद्धि। और हमारे जीवन में हो उन्नति, प्रगति, सफलता। ये हम अपने जीवन में चाहते हैं, है ना? ये थोड़ा चौड़ा लूंगी आज, जरा सा डाइट पे मत जाइएगा, क्योंकि कुछ फीड करना है तो जगह स्पेस अधिक चाहिए है, इसलिए। हाँ, ध्यान से सुनना होगा आपको, कृपया आपस में बातें ना करें। हाँ, हमारे भीतर, हमारे स्वभाव में दो तरह के मसाले पाए जाते हैं। हमारे स्वभाव में दो तरह के मसाले हैं। हाँ, यहाँ पर आता है अच्छाई, यहाँ आता है बुराई। दो मसाले हमारे स्वभाव में। अब बुराई के अंतर्गत क्या आता है? क्रोध करना, ईर्ष्या द्वेष रखना, ईगो रखना, शिकायत करना दूसरों की, निंदा करना और गलत शब्दों का उच्चारण करना। और यहाँ पर अच्छाई के अंतर्गत कौन से मसाले आते हैं? सबसे अच्छी अच्छाई है कि हमारे स्वभाव में केयरिंग स्वभाव हो हमारा, दूसरों का ध्यान रखने का हमारा स्वभाव हो, और ये विनम्रता। जहाँ कई बार हम कहते हैं कि स्वभाव में प्रेम होना चाहिए, पर प्रेम भी झलकता है आपके केयरिंग नेचर में ही, है ना? विनम्रता, शालीनता, सहनशीलता, संतुष्टता, अच्छाई, भलाई, करुणा,
ये चीज़ें हमारी भीतर है। अब खासियत क्या है, देखिए, जब हम हमारे व्यवहार में, ये हमारा स्वभाव है, जब हम हमारे व्यवहार में दूसरों से व्यवहार करते वक्त यदि इस मसाले का अधिक प्रयोग करते हैं तो इस मसाले की क्वांटिटी हमारे भीतर बढ़ जाती है। यदि इस मसाले का अधिक प्रयोग करते हैं तो ये बढ़ता है। जिस मसाले का आप प्रयोग अधिक करते हैं, बुराई का या अच्छाई का जिसका अधिक प्रयोग करते हैं, वो चीज़ एक्चुअली कम होनी चाहिए। पर यहाँ पर अलग सिद्धांत है, वो चीज़ अलग अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? जब ऐसे स्वभाव के साथ आप दूसरों से डील करते हैं तो वहाँ से भी आपको यही स्वभाव मिलता है, है ना? तो आपका स्वभाव एक, सामने वाले का स्वभाव एक, 1+1 इस केस में नहीं होता, इसमें 1+1 11 होता है। इतना समझा, है ना? अब अधिकतर ये व्यवहार करना हमारे लिए बहुत आसान होता है दूसरों के साथ, कि ये इजीली कर पाते हैं। और जब ये व्यवहार करते हैं, ये क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है, तो ये व्यवहार इस पर हावी हो जाता है, ये फैलता जाता है और ये दबता जाता है, है ना? जब इसकी तादाद क्वांटिटी बढ़ जाती है तब आपका व्यवहार दूसरों को झेलना मुश्किल होता है। पर यहाँ दूसरों से कंसर्न नहीं है, यहाँ हमारे अपने आप से कंसर्न है। जब आपका ये स्वभाव बढ़ जाता है तब क्या होता है, रेड पेन देना चला सा, जो हमारे जीवन में चीज़ें प्राथमिकता रखती कि ये चीज़ें हमें चाहिए है, ये पूरा पैकेज चाहिए है, ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है, ये स्वस्थ होगा तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप आता चला जाएगा। जब आपके स्वभाव में ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इसका सीधा सा असर इस पर पड़ता है, ये पूरा पैकेज आपका अस्त व्यस्त हो जाता है। जब ये पैकेज अस्त व्यस्त है तो ये चीज़ें तो आने की संभावना ही नहीं है, है ना? अब सत्संग में हम क्या करते हैं कि ये चीज़ आपकी हल्की हो ताकि ये हावी हो जाए। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम अक्सर कह देते हैं कि इंसान है तो ये चीज़ें तो होनी स्वाभाविक है। हम सत्संग से, किसी भी सत्संग से क्यों जुड़ते हैं, कि हमारा ये वाला मसाला जरा तीखापन कम कर देवे, है ना? ये हल्का होगा तभी इसको आगे बढ़ने में संभावना रहेगी। इसको बढ़ने में बहुत फास्ट बढ़ता है ये, और इसके बढ़ने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है, तो इसको रोकना होगा, इसको बढ़ाना होगा। जब ये बढ़ेगा तो ये चीज़ें आपको बेहद आसानी से हासिल होती चली जाएगी, आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब सत्संग में जब हम आते हैं तो क्यों ये चीज़ें थोड़ी सी हल्की होती है, आप देखिए, खुद के ऊपर से सोच के देखिए कि जब, यदि समझो आप घर से आए, थोड़ा सा भी अपसेट लग रहा है, मूड ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ जब इस प्रकृति के वातावरण में हम आते हैं या आसपास लोगों को देखते हैं, और ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है कि जो एक बार NRSP से जुड़ जाता है उसके भीतर राम राम एक, राम राम दो, ये बजता रहता है, ऐसे एफर्ट नहीं डालना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली बचता रहता है। तो जब प्रकृति के सानिध्य में आकर इतने लोग भीतर से राम राम एक, राम राम दो चल रहा है, तो स्वाभाविक है वातावरण कैसा होगा, सात्विक होगा, आध्यात्मिक होगा। जब हम इस वातावरण के संपर्क में आते हैं तो भीतर जो हमारे चल रहा था डिस्टर्बनेस, जिसे हम कहते हैं, उसकी देखिए फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। हम थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें, ये जो चीज़ें, या इसमें हर्ट भी आता है आपका, यदि कहीं से हर्ट भी होकर आए हैं तो फिर उस क्षण के लिए हम वो भूल जाते हैं, फॉर द टाइमिंग। फिर आकर आप सत्संग में बैठे, हमने अमृतवाणी का जाप किया, धीरे धीरे ये चीज़ें हल्की हो गई,
बराबर है। और फिर प्रवचन में कुछ अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, किससे सुनते हैं, शायद हम यहाँ सुनते हैं, घर जाकर फॉलो न भी करते हों, पर यहाँ जब सुनते हैं फॉर द टाइमिंग आपको, हाँ स्टोरी बहुत अच्छी थी, प्रसंग जो कहा अच्छा लगा, जो भी आपने कहा अच्छा, हमने चाहे भीतर समेटा ना हो पर उस क्षण के लिए आपने जो कहा कि अच्छा लगा, है ना, तो उस वक्त ये एनर्जी आपकी बढ़ गई। जितनी बार आप खुश होते हैं ये ऊर्जा आपकी बढ़ती है, और जब ये ऊर्जा बढ़ती है इसको दबा देती है, जो भी क्वांटिटी बढ़ेगी एक दूसरे को दबा देंगे, जब ये बढ़ती है ये दब जाता है, तो इमीडिएट जो वाइब्रेशंस शुरू होते हैं आपके शरीर के भीतर, जो तरंगे शुरू होती है, आप जाकर नोट भी कर सकते हैं साइंटिफिकली कि जिस दिन सत्संग में आप आते हैं, किसी भी सत्संग में, या कोई अच्छी बात आपने सुनी, आपको उस टाइम अच्छा लगना, फील गुड होता है, थोड़ी देर के लिए हम अपने दुख भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो जो फील गुड के भाव के भीतर आप हैं उस अवस्था में जाकर अपना बीपी है, शुगर टेस्ट करवा लीजिएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल ही आएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग तरंगे होती है जब ये भाव चलता है हमारे भीतर, ये तुरंत हीलिंग शुरू कर देती है बॉडी की, इसके अंदर बहुत अधिक पावर है, तुरंत हीलिंग शुरू होती है शरीर के भीतर की, और साथ ही जा जा के इनको ले लेके आती है, उनकी खासियत है इसकी, है ना। हाँ, अब हम आज क्या करने वाले, थोड़ा सा अलग तरीके से आज सत्संग करते हैं। आज आपके पास पहुंचेगी दो कहानियाँ, सुंदर कहानियाँ, और हमेशा कहानियों के पीछे, कहानियों में लपेट के कुछ उद्देश्य आप तक पहुँचा रहता है, पकड़ने वाला पकड़ लेता है, कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं। कहानियाँ दो पहुँचेगी, आपको ध्यान से सुनना है, और उसमें से आपने क्या चीज़ पकड़ी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, वो आपको शेयर करना है। क्योंकि क्या होता है, मैंने कुछ पकड़ा, मुझे ये चीज़ समझ में आई, आपने कुछ अलग चीज़ पकड़ी, आपने वो कहा, तो हमारे पास दो चीज़ जम गई, तीन चीज़ जम गई, चार चीज़ हमारे पास चल पड़ी, और उस पर क्या होगा कि हम अच्छाइयों पर फोकस करना सीख जाएंगे, और जब अच्छाइयों पर फोकस करना सीख जाएंगे तो ये चीज़ हमारी बढ़ती चली जाएगी। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये तो इसकी चाबी है, ये चीज़ आपकी बढ़ी, ये चीज़ें आसानी से हमारे हाथों में आती चली जाएगी, बराबर है। दो कहानियाँ ध्यान से आपको सुनना है और पकड़ना कि हमने ये चीज़ सीखी, और उत्तर देना है। जब आप अपनी बात शेयर करेंगे तब आपके पास ये एक एक एक्लेयर पहुँचेगी, जो भी अपनी बात, हाँ लिमिटेड समय है और फटाफट बोलते जाना है अपने को, और सत्र की पूर्णाहुति पे जिसके पास सबसे अधिक होगी एक्लेयर उसके पास 56 करोड़ का लिफाफा, और बाकी प्रसाद की एक्लेयर तो सबको मिल ही जाएगी, सबको नहीं, जो शेयर कर देगा उसी के लिए इतनी ही है, हाफ के जी है खाली। हाँ, दूसरा दो लिफाफे आज हमारे पास 56 करोड़ के, एक जिसके पास मैक्सिमम चॉकलेट होगी उसके पास, दूसरा जो शेयरिंग में जिसके साथ जिसकी शेयरिंग सबसे सुंदर होगी उसके, है ना। हाँ, खाली जोर से नारायण बोल दीजिए, किस लिए, चॉकलेट में ऊर्जा भरने के लिए, नारायण नारायण नारायण। पहली कहानी आज की शुरू होती है अब। हाँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। ये कहानी है श्रीमती सुधा मूर्ति की, जो कि इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। मैं उनके जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, क्योंकि उनके पास आज पद पैसा प्रतिष्ठा नेम फेम सभी कुछ हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं, और जो चीज़ें उन्हें ईश्वर ने दे रखी है, धन दे रखा है, दिमाग दे रखा है, नॉलेज दे रखा है, उसका वो अधिक से अधिक सदुपयोग करती है लोगों को बांटने में, वो उनकी विशेष खासियत है। उनकी लिखी कहानी आप तक, कहानी क्या, सत्य घटना जो उनके जीवन में घटी वो आप तक। लिखती हैं श्रीमती सुधा मूर्ति कि कुछ सालों पहले की बात है, जून का महीना था और सुबह सुबह का वक्त था। हमेशा की तरह मैंने हमारी भाषा कन्नड़ा भाषा का न्यूज़पेपर हाथ में लिया पढ़ने के लिए। उस दिन 12वीं कक्षा के नतीजे निकले थे, रिजल्ट निकला था, तो न्यूज़पेपर और जो न्यूज़पेपर के भीतर उनका नतीजा छपा था, न्यूज़पेपर का जो भीतरी पन्ना था
उसमें तो जो विद्यार्थी पास हुए थे उनके रोल नंबर छपे हुए थे और फ्रंट पेज पर जो बच्चे रैंक लेकर आए थे उनका फोटो, उनका नाम, उनकी डिटेल दी गई थी और फ्रंट पेज पूरा रैंक होल्डर से भरा हुआ था। लिखती आगे मिसेस मूर्ति कि चूंकि मैं हमेशा ही रैंक होल्डर्स के प्रति आकर्षित रहती हूं, इसलिए मैंने ध्यान से फ़ोटो देखना शुरू किया, क्योंकि रैंक लाना न सिर्फ ये दर्शाता है कि वो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, बल्कि ये भी बताता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितना त्याग किया है, कितना एफर्ट डाला है। अब चूंकि मुझे बेहद इंटरेस्ट है जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं उनके प्रति आकर्षण अधिक है, इसलिए मैंने फ्रंट न्यूज़पेपर अपने हाथ में लिया और ध्यान से एक एक विद्यार्थी की फ़ोटो देखनी शुरू की और उसके बारे में विस्तार से पढ़ना शुरू किया। जब मैं विद्यार्थियों की हर इंडिविजुअल एक एक फ़ोटो देख रही थी तो मैंने देखा कि एक लड़के की फ़ोटो पर जाकर मेरी नज़रें रुक गई। मैं उस पर से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। दिखने में वो लड़का एकदम दुबला पतला कमज़ोर सा नज़र आ रहा था, पर उसकी आँखों में गहरी चमक थी। मैं उस पर से नज़रें हटा नहीं पा रही थी और मैं उस बच्चे के बारे में विस्तार से जानना चाहती थी, तो मैंने पन्ना और पलट के देखा। मुझे सिर्फ इतनी भर जानकारी मिली कि उसका नाम हनुमान थापा है और वो 8वां रैंक लेकर आया है। इसके ऊपर मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी पर न्यूज़पेपर में इससे अधिक जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन की बात, वही सुबह सुबह का समय, मेरा न्यूज़पेपर हाथ में लेना पढ़ने के लिए और आश्चर्य, आज हनुमान थापा की बड़ी फोटो छपी हुई थी और साथ में उसका बड़ा सारा इंटरव्यू। और मैं तो उस विद्यार्थी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, मैंने झट न्यूज़पेपर हाथ में लिया और उसका इंटरव्यू ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इंटरव्यू के माध्यम से मुझे पता चला कि वो एक कुली का बेटा है और 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है, पिछड़ी जाति का है और एक छोटे से गांव में रहता है। उस इंटरव्यू में मुझे ये भी पता चला कि हनुमान थापा आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पाएगा, आगे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जिस गांव में रहता है वो बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं है। दूसरा, उसके पिताजी घर में अकेले कमाने वाले हैं जो कि दिन भर में सिर्फ 40 रुपया कमाते हैं, इसलिए वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा। श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि उसके बारे में पढ़कर मेरे भीतर उस होशियार विद्यार्थी के प्रति दया उपजी कि हम में से कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को महंगी कोचिंग क्लासेस, महंगे ट्यूशंस सब व्यवस्था करवा के देते हैं, उसके बाद भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और एक ये विद्यार्थी बेचारा जिसके पास जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी उसकी पूरी न होने के बावजूद भी वो 8वां रैंक लेकर आया है। लिखती हैं आगे मिसेस मूर्ति कि उसके बारे में सोचते सोचते कब आधा घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। वो तो कुकर की बस्ती सीटी ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और मैं भाग कर रसोई में गई, मैंने गैस बंद किया और वापस एक नज़र हनुमान थापा की फ़ोटो पर दौड़ाई और वाह, उसके नीचे, उसकी फ़ोटो के नीचे उसका पोस्टल एड्रेस छपा हुआ था। मैंने तुरंत ही पोस्ट कार्ड निकाला, उस पर हनुमान थापा का एड्रेस लिखा और सिर्फ 2 लाइन लिखी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने बेंगलोर आ सकते हो क्या। बस वो पूरा करके मैंने टेबल पर पोस्ट कार्ड रखा। इतने में मेरे पिताजी जो कि मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे आए और मेरे पिताजी बेहद प्रैक्टिकल हैं, उन्होंने आते से वो लेटर देखा और मुझसे कहा, सुधा वो इतना गरीब बच्चा है, तुमने उसे बुला तो लिया, उसके पास गांव में से शहर आने के लिए पैसे तो चाहिए, कपड़े भी ढंग के चाहिए, उसके पास कहाँ है कपड़े पहनने के लिए जब इतना गरीब है वो। मैंने 3री लाइन और जोड़ दी कि यदि तुम बेंगलोर आते हो तुम्हारे बस का भाड़ा, कपड़ों का पैसा मैं तुम्हें यहाँ से भेजूँगी, और वो लेटर मैंने उसे पोस्ट कर दिया।
चौथे दिन वैसा ही पोस्ट कार्ड मेरे पास आया, हनुमान थापा का लिखा हुआ, सिर्फ दो लाइन लिखी थी बेहद नीट एंड क्लीन अक्षरों में कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बुलवाया, और दूसरी लाइन थी हाँ मैं बेंगलोर आना चाहता हूँ। लिखते हैं मिसेस मूर्ति के, झट मैंने अपने स्टाफ को बोलकर कुछ रुपए और मेरी ऑफिस का एड्रेस उसे भिजवा दिया। तीसरे दिन हनुमान थापा मेरी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा, वो बेचारा बेहद घबराया हुआ, जैसे कोई गाय का बछड़ा अपनी माँ से बिछड़ गया हो, इतना डरा हुआ खड़ा हुआ। और सही भी था, इतने छोटे गांव से वो इतने बड़े शहर में पहली बार आया था। और मैंने देखा कपड़े एकदम साफ सुथरे, शरीर वही एकदम कमज़ोर सा दुबला पतला, पर आँखों में वही चमक, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, करीने से बाल बनाए हुए। मैंने उसे अपने कैबिन में बुलवाया, बिठाया और मैं तुरंत ही शुरू हो गई कि तुम्हारा रिजल्ट देख के हम बेहद खुश हैं, तुम आगे क्या पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ना चाहते हो, कहाँ पर पढ़ना चाहते हो, हमें बताओ, हम सारा खर्चा तुम्हें भेजेंगे जो भी तुम पढ़ना चाहते हो। फटाफट मैंने अपनी बात पूरी कर दी, पर मैंने देखा कि उस बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे बगल में मिसेस मूर्ति कहती कि मेरे बगल में मेरा साथी बैठा हुआ था, उसने मुझसे कहा कि सुधा इतनी जल्दी जल्दी बोलोगी तो उसके भीतर बात कैसे जाएगी, उसे समझाओ तो सही कि तुम इतनी अच्छी पढ़ाई करे हो, तुम्हारे रिजल्ट से हम बेहद खुश हैं, हम तुम्हें आगे पढ़ाना चाहते हैं। हमने शांति से उस बच्चे को समझाया कि तुम जहाँ पढ़ना चाहते हो, जितना पढ़ना चाहते हो, हमारी तरफ से हम सब स्पॉन्सर करेंगे, तुम हमें बता दो और आराम से सोच कर बताओ, शाम तक का समय तुम्हारे हाथ में है। हनुमान थापा की रिटर्न बस शाम की 7 बजे की थी, वो मेरे पास 5 बजे वापस आया और उसने मुझसे कहा कि मैडम मैं बेल्लारी में, जो मेरे घर के नज़दीक ही जगह है, वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं इस विषय की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैंने ये स्वीकार कर लिया, फिर भी मेरे भीतर ये प्रश्न था कि कहीं वो मजबूरी में तो अपने गांव के बगल की कॉलेज, बगल का शहर नहीं चुन रहा ना, मनपसंद विषय तो चुन रहा है ना। मैंने दोबारा उससे कहा कि तुम पढ़ाई में बेहद होशियार हो और हम हर तरह से तुम्हें सहयोग देंगे, तुमको जहाँ पढ़ना है, जितना पढ़ना है, सोच लो आराम से। पर मैंने देखा कि वो बच्चा एकदम फर्म था, उसे पता था कि उसे क्या करना है। अब अगला प्रश्न मैंने उससे पूछा कि उस कॉलेज में अगर यदि तुम पढ़ते हो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, तो तुम्हें महीने में कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ उस कॉलेज के साथ हॉस्टल भी जुड़ा हुआ है क्या, ताकि तुम्हारे रहने की सुविधा हो सके। उसका जवाब था कि मैम मैं ये सारी जानकारी लेकर आपको खबर करता हूँ इन 2-3 दिन में। इतना कहकर वो हमारे यहाँ से चला गया। तीसरे दिन, चौथे दिन उसका पोस्ट कार्ड मेरे पास पहुँचा, उसमें लिखा हुआ था कि मैडम मुझे हर महीने 300 रुपये की ज़रूरत होगी और वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है, पर हॉस्टल में रहना महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं और मेरा एक दोस्त नज़दीक एक कमरा लेकर, भाड़े पर कमरा लेकर वहाँ रहेंगे और कमरे में ही खाना बना लेंगे ताकि पैसों की बचत हो सके, तो मुझे 300 रुपया महीने की ज़रूरत पड़ेगी। श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि मैंने तुरंत ही 6 महीने के 1800 रुपये का ड्राफ्ट बनाया और उसे भिजवा दिया। तीसरे दिन उसका धन्यवाद का लेटर भी आ गया। आगे लिखते हैं कि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक दिन मुझे एकाएक याद आया कि अरे मुझे हनुमान थापा की फीस भेजनी है। मैंने वापस 1800 रुपये का लिया ड्राफ्ट बनवाया, उसे पोस्ट कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी तीसरे दिन ही उसका लेटर मेरे हाथ में आ गया। जब मैं लिफाफा खोल रही थी और उसमें से लेटर निकाल रही थी, तो मैंने देखा उसमें कुछ नोट थे, रुपए थे कुछ। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें नोट कैसे लिफाफे में। तो जानने के लिए मैंने उसका जो लेटर उसने लिखा था हनुमान थापा का, वो खोला। इतने सुंदर नीट हैंड राइटिंग में जचा के उसने लिख रखा था
कि मैम ये आपकी बहुत बहुत बड़ी अच्छाई है कि आपने मुझे और 6 महीने के रुपए भेज दिए, पर पिछले 2 महीने से मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, क्योंकि पहले 1 महीने हमारे कॉलेज में छुट्टी थी और दूसरे महीने कॉलेज में स्ट्राइक थी। तो 2 महीने में गांव में अपने घर ही था, इसलिए जो पैसे आपने पहले भेजे थे उतने सारे के सारे खर्चे नहीं हुए। मेरे पास 300 रुपया बचा हुआ है, वो मैं आपके पास इस लिफाफे के माध्यम से भेज रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि मैं दंग रह गई कि इतनी गरीबी और इतनी ईमानदारी, जबकि उसे अच्छे से पता था कि जो रुपया मैं उसे भेज रही हूँ उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है और न मैं उससे हिसाब पूछने वाली हूँ। उसके बावजूद भी दिन में जो कुली 40 रुपये कमाता है, इतना बड़ा परिवार हो उसके लिए 300 रुपये बहुत अधिक मायने रखते हैं। इतनी गरीबी में भी उसने ईमानदारी दिखाई। लिखती हैं वो नीचे कि मैं समझ नहीं पाई कि उस गरीब लड़के की ईमानदारी पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूं, क्या रिस्पॉन्स दूं। मैंने बस हाथ जोड़े, आंखें बंद की और हनुमान थापा और उसके परिवार के लिए ईश्वर से, नारायण से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे नारायण, उस हनुमान थापा और उसके परिवार जीव उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनका जीवन सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए। ये प्रार्थना भर हमने की। नारायण 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 नारायण। चलते हैं दूसरे प्रसंग की ओर। लिखती हैं श्रीमती सुधा मूर्ति कि मुझे कहीं से इनविटेशन आया था जहां एक साल पूरा हुआ था उसके जन्मदिन पर मुझे बुलाया गया था और जो पार्टी होनी थी वो 5-स्टार होटल में बेहद तामझाम के साथ होनी थी। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस 1 साल के बच्चे के लिए क्या उपहार लेकर जाऊं, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि उपहार प्रेम का प्रतीक माना जाता था, पर आजकल व्यवस्था कुछ अलग है कि आप जितने अमीर हैं उतने ही महंगे गिफ्ट की आपसे उम्मीद करी जाती है, उम्मीद रखी जाती है। सो मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस 1 साल के बच्चे को उपहार स्वरूप क्या दूं। तो जिस दिन मुझे पार्टी में जाना था उस दिन पहले मैं अपनी एक सहेली को लेकर बाजार गई उपहार खरीदने के लिए। जब मैं सामानों में कुछ उपहार खोज रही थी तो वहाँ मुझे एक सुंदर सा प्याला और चम्मच दिखाई दिया। मैं सोचा कि 1 साल के बच्चे के लिए यही उपहार सही रहेगा, एटलीस्ट खाने पीने के तो उसके काम आएगा। तो जब मैं उस कटोरी और चम्मच को पैक करवा रही थी तो मेरी सहेली मुझे देखकर हंसी कि सुधा तुम ये क्या खरीद रही हो, तुम अमीर हो और लोग तुमसे महंगे उपहारों की उम्मीद करते हैं, ये देखकर तुम पर हंसेंगे। पर मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैंने कटोरी चम्मच पैक कराया और हम चल पड़े 5-स्टार होटल में जहाँ पर जन्मदिन सेलिब्रेट होना था। जब हम वहाँ पर पहुँचे मैंने देखा कि हमारे शहर के सारे अमीर लोग, प्रतिष्ठित लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक से एक महंगी कीमती कपड़े पहने हुए, कीमती जेवर पहने हुए और हर उम्र के व्यक्ति वहाँ पर थे, बच्चे बूढ़े जवान सारा कराव वहाँ पर था। और प्रथा के अनुसार पहले बच्चे के लिए पूजा की गई, फिर माता पिता ने मिलकर केक कटवाया, गुब्बारे फोड़े और सेलिब्रेशन का गीत गाया, डिनर था, ये सब वातावरण वहाँ पर था। और चारों ओर माहौल किस तरह का था, जो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति थे वो एक दूसरे से संपर्क साध रहे थे ताकि बिजनेस की बढ़ोतरी हो, जो महिलाएं थीं वो गहनों कपड़ों पर चर्चा कर रही थीं, जो यंग मदर्स थी
वो अपने बच्चों को लेकर खिलाने में मस्त थी, और जो यंग जनरेशन थे वो डिस्को पर थिरक रहे थे। ये वहाँ का वातावरण। और जो बेचारा एक साल का बच्चा था, इतने भारी कपड़े उसे सुहा नहीं रहे थे, वो रोता जा रहा था। और मेरा ध्यान जो उपहार में उस बच्चे को सामान मिला उस ओर चला गया। मैंने देखा ढेरों तो चांदी के बर्तन, सोने की चेने, कैश, और एक साल के बच्चे के लिए लैपटॉप भी गिफ्ट में आया हुआ था, सामने टेबल पर रखा हुआ था। खैर, मुझसे भी वहाँ पर कुछ लोग मिले, हमने डिनर किया, हम घर वापस आ गए। इस बर्थडे पार्टी के कुछ दिनों बाद मेरा अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम बना। एक दिन के बाद अहमदाबाद में शाम के वक्त हम फ्री थे, सो मेरी एक सहेली जो वहीं पर रहती है मुझे विंडो शॉपिंग कराने के लिए बाज़ार ले गई। उस मार्केट का नाम है लव गार्डन, जहाँ छोटी छोटी दुकानें लाइन से लगी रहती है। दुकानें छोटी छोटी ज़रूर है, पर रंग बिरंगी और आकर्षक। वहाँ पर गुजरात में जो चीज़ें हाथ से बनती है, कच्ची कढ़ाई है, चनिया चोली है, चद्दर है, टेबल क्लॉथ है, ये सारा सामान वहाँ पर बिकता है छोटे छोटे दुकानों में। और कुछ आर्टिफिशियल चांदी के गहने भी, पर्स भी, ये सब चीज़ों से दुकानें अटी पड़ी हैं। लिखती हैं मिसेस मूर्ति कि मुझे तो वहाँ पर कुछ खरीदना तो था नहीं, मैं बिना मकसद के वहाँ पर रोड पर घूम रही थी। जब मैं घूम रही थी तो मेरा ध्यान एक दुकान में रखे एक सुंदर से पर्स की ओर चला गया, जो कच्ची कढ़ाई किया हुआ था, मोती और कांच उस पर लगाए हुए थे। हम उस दुकान के नज़दीक गए कि जाने वो पर्स कितने का है, ताकि मैं उसे खरीद लूँ। दुकानदार लगभग 25-26 साल का लड़का था, वो खड़ा था, उसकी पत्नी 22-23 साल की, वो साथ में खड़ी थी। जब मैंने उस दुकानदार से उस पर्स का रेट पूछा, उसने कहा 100 रुपये का पर्स है। मेरी सहेली जो साथ में थी, जो वहीं की रहने वाली है, झट बोल पड़ी, अरे बहुत महंगा है, इसका तुमको भाव तव करना पड़ेगा। और दुकानदार और मेरी सहेली दोनों बार्गेन में बिजी हो गए। अब मैं वहाँ पर ऐसे ही खड़ी थी, तो बाकी दुकानों की ओर, रोड की ओर मेरा ध्यान था। एकाएक मेरा ध्यान कुछ दूरी पर रखे एक छोटे से पालने पर चला गया। उस छोटे से पालने में एक बच्चा लेटा हुआ था और खेल रहा था, और उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, अकेला बच्चा था। तो मैंने जो दुकानदार से तो मेरी सहेली बात कर रही थी, उसकी पत्नी बगल में बैठी थी, मैंने पूछा, अरे रोड साइड बच्चा किसका है, कोई भी उधर है नहीं आसपास? वो महिला गर्व से बोली, मेरा बच्चा है वो। अब रोड पे उसको सुला रखा, मैंने कहा तुम लोग इधर काम करने आते हो, उसको घर में क्यों नहीं छोड़ कर आती हो, या पड़ोस में छोड़ कर आया करो? उसका जवाब था कि घर में हमारे कोई है नहीं मैडम, और पड़ोसी भी सारे शाम के वक्त यहाँ पर काम के लिए आ जाते हैं, तो पड़ोस में भी कोई नहीं है, इसलिए हमें हमारे बच्चे को यहाँ पर लाना होता है। श्रीमती सुधा मूर्ति लिखती हैं कि मुझे बाकी वस्तुओं से वैसे भी इतना अट्रैक्शन नहीं है, मुझे ये जो मेहनती महिलाएं परिवार रहता है उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरी सहेली तो पर्स की बार्गेनिंग चल रही थी, अब मैंने उस महिला से बातचीत करने शुरू की। मैंने कहा तुम कैसे मैनेज कर पाती हो, छोटा बच्चा भी है, दुकान पर आके बैठना भी? उसका जवाब था कि सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद कच्ची कढ़ाई करने बैठती हूँ, दोपहर तब तक मेरे पति मेरे बच्चे को, हमारे बच्चे को संभालते हैं, दोपहर को मेरे पति कढ़ाई करने बैठते हैं, मैं बच्चे को संभालती हूँ, और शाम को हम उसको लेकर यहाँ पर आते हैं, ये हमारी दिनचर्या है। मैंने उससे आगे पूछा, तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है क्या, तुम टीवी देखती हो क्या? उसने कहा टीवी हमारे पास है नहीं, तो नहीं देखते, और न्यूज़पेपर चूँकि मेरी माँ सौतेली माँ थी, जिसने कभी मुझे स्कूल नहीं भेजा, तो मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरे पति पढ़ते हैं, चौथी कक्षा पढ़े हुए हैं, वो गुजराती न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, समाचार मुझे बता देते हैं, ये हमारा रूटीन चलता है। फिर जो बच्चा था जो झूले में सोया हुआ था, मैंने सहज ही उससे पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? उसने कहा 1 साल का हो गया मैडम, और आज इसका जन्मदिन है। जो ही उसने कहा कि आज इसका जन्मदिन है, और आगे बोली वो गर्व के साथ कि मैंने और पति ने डिसाइड किया है कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम इसको पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए रात दिन मेहनत करेंगे और इस बच्चे को ऊँची पढ़ाई पढ़ाएंगे।
ऐसा उसने अपनी बात पूरी की, ऐसा कहकर अपनी बात पूरी की और मेरे दिमाग में वो फाइव स्टार वाली बर्थडे पार्टी झलक आ गई कि वो बच्चा भी एक साल का था, ये भी एक साल का है, वो अमीर घर में जन्मा है, ये गरीब घर में जन्मा है। इतनी देर में मेरी सहेली जो कि भावताव कर रही थी उस दुकानदार के साथ, उनका कन्वर्सेशन पूरा हो गया क्योंकि दुकानदार एक पैसा भी कम करने तैयार नहीं था। तो मेरी सहेली ने मना कर दिया कि मुझे पर्स नहीं खरीदना, सुधा तुम आगे चलो। हम एक कदम आगे बढ़े ही थे कि मेरे मन में ये विचार आया कि आज उस बच्चे का जन्मदिन है, हमें कुछ तो उसे आशीर्वाद स्वरूप हाथ में पकड़ाना चाहिए। मैंने अपना पर्स खोला, 100 का नोट निकाला और झूले के पास गई, उसके हाथ में दिया और मुड़कर आगे बढ़ी। मैं मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ी होंगी कि उसकी माँ दौड़ती हुई आई और ज़ोर से मेरा पल्ला खींचा और गुस्से में बोली, क्या आपने हमें भिखारी समझ रखा है क्या? हम आपको जानते नहीं हैं, आपने मेरे बच्चे के हाथ में 100 का नोट क्यों पकड़ाया? हमें आपका 100 का नोट नहीं चाहिए, आप अपना रख लीजिए। मैंने बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि ये मैंने आपको, उस बच्चे को हमने आशीर्वाद के स्वरूप दिया है क्योंकि हमारे समाज में ऐसा होता है कि जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसे बड़े आशीर्वाद स्वरूप कुछ देते हैं, आप बुरा मत मानिए, इसे प्लीज़ रख लीजिए, ये हमारी तरफ से छोटे बच्चे के लिए आशीर्वाद है। जब मैंने शांति से प्रेम से कहा तो वो थोड़ी ठंडी पड़ी, बोला आप पहले कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो इतने प्रेम से हमसे बात करते हैं, नहीं तो लोग ऐसा सामान खरीदते हैं, 2 बातें सुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं ऐसा। और फिर मैं जब उसने स्वीकार कर लिया, शांत हो गए, तो मैं मुड़ के आगे चल पड़ी। हम 2 कदम आगे और बढ़े होंगे कि वापस वो भागती हुई आई और मेरा हाथ पकड़ लिया उसने ज़ोर से, और मेरे हाथ में वो 100 रुपये वाला पर्स जिसकी हम घंटे भर से बार्गेनिंग कर रहे थे मेरे हाथ में पकड़ाया। वो पर्स देखकर मैंने आश्चर्य से कहा कि मतलब ऐसा है कि तुमको, तुम्हारे बच्चे को मैंने 100 रुपया दिया, तुम उसकी एवज में मुझे पर्स दे रही हो? वो रोती रोती बोली कि नहीं मैडम, जब आपने मेरे बच्चे को आज के दिन इतना आशीर्वाद दिया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं भी कुछ आपको दूं। मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, लिखती हैं आगे कि वो रोते रोते बोलने लगी कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि ये पर्स भर कर मैं आपको दूं, पर हाँ मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगी कि ऐसे कई सारे पर्स वो आपको भर कर दे। और जिस प्रेम के साथ, जिस भाव के साथ वो मेरे हाथ में वो पर्स थमा रही थी, ना चाहते हुए भी मैं उसे मना नहीं कर पाई, मुझे उसे लेना पड़ा, ले लिया। हम विदा हुए और रास्ते भर मेरे दिमाग में विचार चलते रहे कि ये बेचारे गरीब कितनी मेहनत करते हैं, इनके लिए 100 रुपया बहुत अधिक मायने रखता है, पर प्रेम से बोलना, मीठा बोलना। मैं उसके बाबत रस्ते भर सोचती रही कि ये प्रकृति का विधान है, कुछ यदि देते हो, कुछ लेते हो तो हमें कुछ देना भी चाहिए। नारायण 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 नारायण। इस बाबत मदर टेरेसा कहती हैं कि जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो आप उससे अधिक पाते हैं, जब आप उससे अधिक पाते हैं तो आप अधिक, आपके लिए देना और अधिक आसान हो जाता है। तो प्रेम बांटते फिरिए, प्रेम बांटते फिरिए।